नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके गुरु यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भारतीय तिरंगे से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जो कि हर भारतीय को जानना अति जरूरी है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकती हो। दोस्तों, अनअकैडमी इंडिया का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आपको वहां पर एजुकेशन से रिलेटेड बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को इसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था, जो 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ दिन पूर्व की गई थी। यानी भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको कब अपनाया गया था, उसको अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को, जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। तो उससे कुछ दिन पहले एक बैठक आयोजित की गई थी, भारतीय संविधान सभा की वो बैठक थी, तो उसमें भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। आगे देखिए दोस्तों, हमारे लिए तिरंगा बेहद महत्वपूर्ण और गौरव का विषय है। इस नाम के पीछे की वजह इसमें इस्तेमाल होने वाले तीन रंग है, केसरिया, सफेद और हरा। इसके मौजूदा स्वरूप का विकास भी कई पड़ाव में हुआ है, लेकिन देखिए जो हमारा तिरंगा है जिसमें तीन रंग है, बीच में अशोक चक्र है, उसमें 24 तिलियां हैं, तो ये ऐसा नहीं था स्टार्टिंग में। इसके कुछ पड़ाव हुए हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा बदलाव किया गया है और तब जाकर ये जो फिलहाल तिरंगा है ऐसा तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज बना है। तिरंगे को आंध्र प्रदेश के पिंगली वकैया ने बनाया था। तो देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कंपिटेटिव एग्जाम में भी पूछा गया है कि तिरंगे का निर्माण, मतलब तिरंगा किसने बनाया था, तो वो था पिंगली वकैया। कहाँ का था? आंध्र प्रदेश का। तो आगे देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आपको जानना अति जरूरी है। तो जो पहली जानकारी है वो है कि किसी मंच पर तिरंगा फहराते समय जब बोलने वाले का मुंह श्रोताओं की तरफ हो तो तब तिरंगा हमेशा उसके दाहिने तरफ होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, बताया जाता है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जब चरखे की जगह अशोक चक्र लिया गया तो महात्मा गांधी नाराज हो गई थी। आगे देखिए, रांची का पहाड़ी मंदिर भारत का अकेला ऐसा मंदिर है जहां तिरंगा फहराया जाता है। 493 मीटर की ऊंचाई पर देश का सबसे ऊंचा झंडा भी रांची में ही फहराया गया है। यानी रांची में एक मंदिर है जहां पर जो तिरंगा है वो फहराया जाता है, और जो 493 मीटर की ऊंचाई पर देश का सबसे ऊंचा झंडा कहाँ पर फहराया गया है, वो भी रांची के अंदर में ही फहराया गया है। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट तथ्य है, जो नेक्स्ट पॉइंट है कि देश में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया यानी भारतीय ध्वज संहिता नाम का एक कानून है जिसमें तिरंगे को फहराने के नियम निर्धारित किए गए हैं। इन नियमों का उल्लंघन करने वाले को जेल भी हो सकती है, ठीक है दोस्तों। यानी उस कानून का क्या नाम है, तो उस कानून का नाम है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, तिरंगा हमेशा कॉटन, सिल्क या फिर खादी का ही होना चाहिए। प्लास्टिक का झंडा बनाने की मनाही है, यानी कि जो लोग प्लास्टिक का झंडा बनाते हैं वो कानून का उल्लंघन करते हैं। तिरंगा सिर्फ कॉटन का बनना चाहिए, सिल्क का बनना चाहिए या फिर खादी का होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि तिरंगा का निर्माण हमेशा रेक्टेंगल शेप में किया जाता है जिसका अनुपात 3:2 तय है, वहीं जबकि अशोक चक्र का कोई माप तय नहीं है, सिर्फ इसमें 24 तिलियां होनी आवश्यक है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, सबसे पहले लाल, पीले वे हरे रंग की हॉरिजॉन्टल पट्टियों पर बने झंडे को 7 अगस्त 1906 को फारसी बागान चौक यानी ग्रीन पार्क कोलकाता में फहराया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, झंडे पर कुछ भी बनाना या लिखना गैर कानूनी है, तो आप भी अगर तिरंगे पर यानी भारतीय ध्वज पर कुछ लिख देते हो तो ये गैर कानूनी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट तथ्य देखिए कि किसी भी गाड़ी के पीछे बोट या प्लेन में तिरंगा नहीं लगाया जा सकता और न ही इसका प्रयोग किसी बिल्डिंग को ढकने के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट तथ्य देखिए, नेक्स्ट जानकारी, किसी भी स्थिति में तिरंगा जमीन पर टच नहीं होना चाहिए, यह इसका अपमान होता है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, तिरंगे को किसी भी प्रकार के यूनिफॉर्म या सजावट में प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है,
ठीक है, जैसे कि कोई किसी कॉलेज स्कूल या फिर कहीं कंपनी की जो यूनिफॉर्म होती है तो उस में तिरंगे का प्रयोग नहीं किया जा सकता, या फिर सजावट में किसी रूम में कहीं भी तिरंगे का प्रयोग नहीं किया जा सकता। आगे देखिए दोस्तों, भारत में बेंगलुरु में 420 किलोमीटर स्थित हुबली एकमात्र लाइसेंस प्राप्त संस्थान है जो झंडा बनाने का और सप्लाई करने का काम करता है। यानी कि पूरे भारत के अंदर बेंगलुरु में ही एक ऐसा स्थान है हुबली जहां पर झंडा बनाया जाता है और सप्लाई किया जाता है। इसके अलावा कहीं भी भारत के अंदर झंडा बनता है तो वो गैर कानूनी है, वे कानून का उल्लंघन करते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, किसी भी दूसरे झंडे को राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा या ऊपर नहीं लगा सकते, उन्हें ही बराबर रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो अपना तिरंगा है उसके बराबर और कोई भी झंडा नहीं तो लगाया जा सकता है, उन्हें उसके ऊपर लगाया जा सकता है, उन्हें बराबर में रखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, 29 मई 1953 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा सबसे ऊंची पर्वत की चोटी माउंट एवरेस्ट पर यूनियन जैक तथा नेपाली राष्ट्रीय ध्वज के साथ फहराता नजर आया था। इस समय शेरपा तेंजिंग और एंडमैन माउंट हिलेरी ने एवरेस्ट फतह की थी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, आम नागरिकों को अपने घरों या ऑफिस में आम दिनों में भी तिरंगा फहराने की अनुमति 22 दिसंबर 2002 के बाद मिली है। यानी कि पहले ये अनुमति नहीं थी कि कोई भी तिरंगा फहरा सके, तो 22 दिसंबर 2002 को जो आम लोग होते हैं उनको घरों में, ऑफिस में या और कहीं भी तिरंगा फहराने की अनुमति मिल गई है। जो 16 नंबर का पॉइंट है दोस्तों, कि तिरंगे को रात में फहराने की अनुमति साल 2009 में दी गई है। यानी कि पहले ये नियम था कि भाई तिरंगा दिन में ही फहराया जाएगा, जब तक सूर्य मतलब निकलता रहता है, सूर्यास्त होने से पहले तिरंगे को फहराया जा सकता है। तो लेकिन 2009 में इस कानून को बदल दिया गया, अब रात को भी तिरंगा फहराने की अनुमति है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि पूरे भारत में 21x14 फीट के झंडे केवल 3 जगह पर ही फहराए जाते हैं, कर्नाटक का नारगुंड किला, महाराष्ट्र का पन्हाला किला और मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित किला। तो ये 3 जगह ऐसी है जहां पर इतना बड़ा झंडा फहराया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों कि राष्ट्रीय भवन के संग्रहालय में एक ऐसा लघु तिरंगा है जिसे सोने के स्तंभ पर हीरे जवाहरातों से जड़कर बनाया गया है। ठीक है, जो राष्ट्रपति भवन है उसके संग्रहालय में एक छोटा सा एक ऐसा तिरंगा रखा गया है जिसका जो सोने के स्तंभ पर है और वहां उस पर हीरे और जवाहरात लगे हुए हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि भारत के संविधान के अनुसार जब किसी राष्ट्र विभूति का निधन होने पर, राष्ट्रीय शोक घोषित होने पर कुछ समय के लिए ध्वज को झुका दिया जाता है, लेकिन सिर्फ उसी भवन का तिरंगा झुकाया जाता है जिस भवन में उस विभूति का पार्थिव शरीर रखा है। जैसे ही पार्थिव शरीर को भवन से बाहर निकाला जाता है वैसे ही ध्वज को पूरी ऊंचाई तक फहरा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि देश के लिए जान देने वाले शहीदों और देश की महान शख्सियतों को तिरंगे में लपेटा जाता है। इस दौरान केसरिया पट्टी सिर की तरफ और हरी पट्टी पैरों की तरफ होनी चाहिए। शव को जलाने या दफनाने के बाद उसे गोपनीय तरीके से सम्मान के साथ जला दिया जाता है या फिर वजन बांध कर पवित्र नदी में जल समाधि दे दी जाती है। यानी जो देश के लिए मरते हैं, जैसे फौजी अगर कोई मरता है देश के लिए या फिर कोई महान हस्ती देश के लिए मरती है तो उसी तिरंगे में लपेट कर उसका जो अंतिम संस्कार किया जाता है और फिर उस तिरंगे को या तो सम्मान से जला दिया जाता है या फिर उसे उसके अंदर कोई पत्थर बांध कर या कोई वजन बांध कर उसे नदी में जल समाधि दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, ये आखिरी पॉइंट है कि कटे फटे या रंग उड़े हुए तिरंगे को भी सम्मान के साथ जला दिया जाता है या फिर वजन बांध कर पवित्र नदी में जल समाधि दी जाती है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आपके मन में उठता होगा कि भाई जो तिरंगे फटे पुराने हैं या फिर जिनका रंग उड़ गया है पुराने हैं उनका क्या किया जाता है। तो देखिए, उन तिरंगों को भी सम्मान के साथ जला दिया जाता है या फिर वजन बांधकर पवित्र नदी में जल समाधि दे दी जाती है। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको बताया भारतीय ध्वज से जुड़े, भारतीय तिरंगे से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। ये आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई इसका निर्माण, कि तिरंगा के जो निर्माण था वो किसने किया, वो
उसने जैसे कि मैंने आपको बताया था वो आंध्र प्रदेश का था, वेंकैया नायडू, उसने इसका निर्माण किया। ये कब अपनाया गया, तो ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जा सकते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आपने कमेंट करके जरूर बताना है। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना है, अपने दोस्तों में भी शेयर करना है, ताकि वे भी भारतीय तिरंगे से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको जान सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और अगर अभी तक आपने मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके मुझे अनअकैडमी पर फॉलो जरूर करें। अनअकैडमी इंडिया का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है, वहाँ आपको एजुकेशन से रिलेटेड बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलेंगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।